से जानते हैं। अब डिमांड पेजिंग क्या होता है देख लीजिए। अब यहां पे एक नया टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं ऑन द रन कि आपके पास दो चीजें होती है, एक डिमांड पेजिंग और सो ऑन डिमांड पेजिंग सिस्टम इज क्वाइट सिमिलर टू ए पेजिंग सिस्टम विद स्वैपिंग वेयर प्रोसेस रिसाइड्स इन द सेकेंडरी मेमोरी एंड पेजेस आर लोकेटेड ओनली ऑन डिमांड नॉट इन एडवांस। तो इसका मतलब है सपोज कर लो आपका प्रोग्राम हार्ड डिस्क में वर्चुअल मेमोरी में रखा हुआ है जिसमें 10 पेजेस है और आपके पास मेन मेमोरी में 4 पेज रखा हुआ है जिसमें एग्जीक्यूशन हो सकता है, तो आप एट अ टाइम क्या कर सकते हो 10 में से 4 पेज को आप मेन मेमोरी में स्टोर कर सकते हो। फिर उसके बाद जब आपको कोई दूसरा पेज जो कि बचे हुए 6 पेज में से किसी पेज का जरूरत होता है, इट्स नीडेड, देन यू आर डिमांडिंग। तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको डिमांड करना पड़ता है। जब आप उसको डिमांड करते हो तो उसमें आपका स्वैप इन एंड स्वैप आउट प्रोसेस होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सपोज कर लो मेन मेमोरी में आपके पास जगह अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको स्वैपिंग करना पड़ता है, और सपोज कर लो आप नेक्स्ट पेज को एग्जीक्यूट कर रहे हो और जो कि जाके वो रैम मेमोरी में स्टोर होगा और वहां पे अगर आपके पास जगह अवेलेबल है तो स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपके पास स्वैप इन प्रोसेस होगा, स्वैप आउट की जरूरत नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज कर लो रैम मेमोरी में पेज अवेलेबल नहीं है और एक नए पेज की डिमांड हो रही है तो दोनों प्रोसेस काम करेगा, स्वैप आउट होगा फिर स्वैप इन होगा। तो इसका मतलब है हर एक केस में जो भी मैंने आपको समझाया हर चीज में सिर्फ डिमांड करने पर ही आपके पास चलता है, तो इसलिए ऑन डिमांड जो पेज की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग डिमांड पेजिंग सिस्टम्स कहते हैं। व्हेन ए कॉन्टेक्स्ट स्विच ऑकर्स जो कि मैंने आपको बताया है, अब देखिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग दो तरीके से कर सकते हैं, स्वैप इन एंड स्वैप आउट जो आपका स्वैपिंग प्रोसेस है, लेकिन स्वैपिंग प्रोसेस करने में हमको क्या करना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच यूज करना पड़ता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक कंसेप्ट होता है जिसमें हम किसी भी प्रोसेस को जिस स्टेट में छोड़ के जा रहे हैं उस स्टेट में वापस आना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टैक में सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करके जाते हैं, तो इसलिए ऑन द कॉन्टेक्स्ट आप स्विच करते हो यानी विद द कंडीशन आप स्विच करते हो। इसलिए व्हेन ए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑकर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट कॉपी एनी ऑफ द ओल्ड प्रोग्राम्स पेज आउट टू द डिस्क और एनी ऑफ द न्यू प्रोग्राम पेज इनटू द मेन मेमोरी। तो इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आप करते हो लेकिन बाकी किसी का इंफॉर्मेशन आपको कहीं स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है, इंस्टेड इट जस्ट बिगिन एग्जीक्यूशन। तो इसका मतलब है हम कहां स्टोर कर रहे हैं, कहां से निकाल के ला रहे हैं, उसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ एक ही काम करता है, लास्ट पॉइंट में बताया गया कि जस्ट बिगिन एग्जीक्यूशन द न्यू प्रोग्राम आफ्टर लोडिंग द फर्स्ट पेज एंड फिक्स दैट प्रोग्राम्स पेज एज दे आर रेफरेंस। तो इसका मतलब है हमको कहां पे ले जाके स्टोर करना है, वापस कहां से लेके आना है, उसका मतलब कोई नहीं होता है, सीधा सीधा अगर नए पेज को आप रेफर कर रहे हो, नए पेज को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आप पहले पेज से उस पर्टिकुलर जो पोर्शन है प्रोग्राम का वहां से लेके आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हो पहले पेज से और उसका जो रिमेनिंग पेज है ऑन द रेफरेंस यानी ऑन द रन जब रेफर करते हो तो वो काम करता है यानी डिमांड के बेस पर काम करता है। वर्चुअल मेमोरी जब हम यूज करें, अब जैसे आप एक नया प्रॉब्लम आ सकता है, प्रॉब्लम ये आ सकता है आपने एक पेज का कॉल किया यानी एक पेज का डिमांड किया है, अब वो पेज जो होता है आपके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि सारा चीजें कहाँ पे होती है, अगर आप पेजिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो पेज टेबल होता है, आपने एक पेज को डिमांड किया और वो पेज टेबल पे नहीं है, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था मिस और हिट करके बताया था, पेज हिट एंड पेज मिस, यहाँ पे वही चीज आप इंप्लीमेंट होता हुआ दिखेगा आपको कि वर्चुअल मेमोरी में पेज टेबल में एक पेज को हमने फाइंड आउट किया और वो पेज जो होता है आपके पेज टेबल पे नहीं है, तो इसका मतलब है मिस हो गया। अब जब मिस हो गया तो उसको हम लोग वर्चुअल मेमोरी में पेज फॉल्ट के नाम से जानते हैं, बट ऑन जब हम पेजिंग सिस्टम में पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेज मिस, यानी पेज मिस कर गया जो कि अवेलेबल नहीं है, जिसकी डिमांड कर रहे हो वो उसमें अवेलेबल नहीं है तो वो मिस हो गया, लेकिन यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी में उसको हम लोग पेज फॉल्ट बोलते हैं। तो पेज फॉल्ट क्या होता है देखिए, While executing a program, if the program references a page which is not available in the main memory because it was swapped out a little ago, यानी हम थोड़े देर पर पहले तक तो वो था लेकिन कुछ कारण से या कुछ डिमांड होने की वजह से वो पेज को हटा के दूसरा पेज लाया गया, लेकिन थोड़े देर बाद उसी पेज का डिमांड हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाल दिया था, यानी लिटिल बिट एगो जो हुआ था, सो द प्रोसेसर ट्रीट दिस इनवैलिड मेमोरी पेज। तो उसका मतलब है थोड़ा देर पहले था जो कि जानकारी था लेकिन थोड़ा देर बाद जब मैं एग्जीक्यूट करने के गया तो हमको वो पेज नहीं मिल रहा है, तो उसका मतलब है वो स्वैप आउट हो गया है किसी कारण से।
ऑन द डिमांड ऑपरेटिंग सिस्टम उसको स्वैप आउट किया है द प्रोसेसर टिस्ट, तो उस केस में जो सीपीयू है उसको ट्रीट करता है इनवैलिड मेमोरी रेफरेंस, और उसी इनवैलिड मेमोरी रेफरेंस मतलब होता है कि पेज का डिमांड हुआ है, वो पेज आपके पास पेज टेबल में इंटर नहीं है, मिला नहीं है उसके बारे में, उसके बारे में इनवैलिड इंफॉर्मेशन मिला है, तो उसको रेफरेंस एज ए पेज फॉल्ट एंड ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम द प्रोग्राम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिमांड द पेज बैक इन टू द मेमोरी। तो इसका मतलब है पेज फॉल्ट आया है तो वो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू नहीं कर सकता जब तक कि वो पेज नहीं आता, उसको बाईपास नहीं कर सकता, उसको स्किप नहीं कर सकता। तो उसी समय क्या होता है, जहां पे जिस पेज पे पेज फॉल्ट आया है उस समय वो जो कंट्रोल है टोटली ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया जाता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सारा चीजों को संभालता है, संभालने के बाद वो डिमांड पेजिंग जो सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट करता है, ऑन द डिमांड जो पेज के रिक्वायरमेंट है उस पेज को लाके उस पर्टिकुलर मेन मेमोरी में रखता है और उसकी एंट्री जो होता है वो अपना जो पेज टेबल है उसमें उसको एंटर कर देता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो जाता है। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल मेमोरी में पेज फॉल्ट कब आता है, जब पेज की डिमांड होती है और वो पेज अगर पेज टेबल में अवेलेबल नहीं है तो दैट इज एक्चुअली नोन एज ए पेज फॉल्ट। तो ये चीजें आप अच्छे से इसको समझ गए हो।